हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है जीके बुलेट पॉइंट्स ऑन फिल्म्स, यानी कि इंडियन सिनेमा। ये जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन इंडिजिनस फिल्म, तो इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये 1913 में ये बनी थी, ठीक है। तो ये ईयर आप याद रखें। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे दादा साहेब फाल्के, ठीक है। एंड यू नो दादा साहेब फाल्के कौन है? ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनको इंडियन सिनेमा का फादर माना जाता है, दादा साहेब फाल्के को, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन इंडिजिनस फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टॉकी, यानी कि फिल्म विद साउंड, ठीक है। तो ये आलमारा ये रिलीज हुई थी 1931 में, ठीक है। तो ये ईयर आप याद रखें। सो फर्स्ट इंडियन टॉकी कौन सी है? आलम आरा। फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म, तो कलर फिल्म कौन सी है? किसान कन्या, मतलब लड़की, गर्ल, किसान गर्ल, यानी कि फार्मर गर्ल है ना। ये रिलीज हुई थी 1937 में। ये फिल्म जो है वो फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म है, ठीक है। फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो इसकी फर्स्ट विनर है देविका रानी। इनको ये अवार्ड मिला था 1969 में, ठीक है। तो आप ये ईयर याद रखें। फर्स्ट विनर ऑफ फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये मिला था दिलीप कुमार को, ठीक है। फर्स्ट विनर ऑफ फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ये मिला था मीना कुमारी को, ठीक है। फर्स्ट हिंदी फिल्म टू विन द नेशनल फिल्म अवार्ड, तो वो पहली कौन सी फिल्म है जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था? तो वो है मिर्जा गालिब, ये मिला था 1954 नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और ये पहली फिल्म है मिर्जा गालिब जिसको ये बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था। फर्स्ट फिल्म टू विन द बेस्ट फिल्म अकेडमी अवार्ड, यानी कि बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड, तो ये थी विंग्स, ये मिला था 1927 और 28 में, जब ऑस्कर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो ये ईयर आप याद रखें। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर अकेडमी अवार्ड इन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी, ठीक है। जो ऑस्कर में फर्स्ट बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म इंडिया की कौन सी है? वो है मदर इंडिया। इसकी जो एक्ट्रेस थी नरगिस, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था इस पिक्चर में नरगिस ने, ठीक है। तो मदर इंडिया। फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी अवार्ड इन द कम्पटिटिव कैटेगरी, तो पहले इंडियन कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो वो थी भानु अथैया। इनको ये 1982 में मिला था, और इनको मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में। और कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो वो मिला था गांधी के लिए, ठीक है। तो भानु अथैया जी को ये अवार्ड मिला था गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन में, ठीक है। फर्स्ट ऑस्कर, ये एक फीमेल है, ये फीमेल। इंडियन डायरेक्टर हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अकेडमी अवार्ड, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड, तो इंडिया के कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं? तो वो है सत्यजीत रे, ठीक है। इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर टू विन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है वो है AR रहमान। इनको मिला था 2009 में। फिल्म कौन सी थी? वो थी स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है। इस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला था, गाना था जय हो।
इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट टू विन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग. ये था ए आर रहमान एंड गुलजार. ठीक है, इनको भी ये उसी साल मिला था 2009 में, और स्लम डॉग मिलीनियर के लिए. ठीक है, ये फिल्म थी स्लम डॉग मिलीनियर. फर्स्ट इंडियन टू विन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग, तो ये थे रैसुल पोकुटी. इनको भी 2009 में मिला था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए. ठीक है, वेज थ्री इंडियन फिल्म्स हैव बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी इन ऑस्कर सो फार. इंडिया की ऐसी कौन सी थ्री फिल्म्स हैं जिनको ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो पहली थी मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे, और तीसरी लगान. ठीक है, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान, ये सिर्फ तीन ऐसी फिल्में इंडिया की जिनको ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में. ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सिनेमा हॉल ऑफ इंडिया? तो इसका नाम था एल्फिंस्टोन पिक्चर पैलेस कलकत्ता. ये कलकत्ता में है. ठीक है, एल्फिंस्टोन पिक्चर पैलेस, ये इंडिया का फर्स्ट सिनेमा हॉल था, तो इसका नाम आप याद रखें. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब अस. ओके, एंड विजिट अस @gkmojo.com. थैंक यू.